नमस्कार दोस्तों, अक्सर कई लोग, कई बच्चे बिना सोचे समझे जब मैरिज करा लेते हैं, कोई कुंडली मिलाई नहीं जाती, तो अक्सर यहाँ पर लव मैरिज की बात करने जा रहा हूँ। जो लव मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, कब उनके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी होती है, कब उनके बीच में दूरियाँ बन जाती हैं, इसी की बात करने जा रहा हूँ। मंगल, चंद्र और शुक्र, इन तीनों का पॉजिटिव होना, अच्छा होना, तो ही एक अच्छी मैरिड लाइफ व्यक्ति की बीतती है। यदि शुक्र, चंद्र, मंगल इन तीनों ग्रहों में से एक ग्रह भी परेशान होगा किसी बुरे ग्रह के कारण, तो वह लव मैरिज में सफलता नहीं मिलेगी। हो तो जाएगी, लेकिन बाद में व्यक्ति को कष्ट भोगने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, शुक्र के साथ जब भी राहु हो या मंगल साथ में बैठे हों, मंगल शुक्र और राहु की युति बनी हो, प्रेम विवाह तो हो जाता है, लेकिन व्यक्ति बाद में परेशान हो जाता है। चंद्रमा मंगल के साथ राहु बैठ जाएं तो प्रेम विवाह के बाद व्यक्ति को समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं, यानी मन मुटाव होना शुरू हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर भी शुक्र, मंगल या चंद्रमा खराब हो जाते हैं या किसी बुरे ग्रह के कारण पीड़ित हो जाते हैं, यह समझ लें कि लव मैरिज होने के बाद व्यक्ति का जीवन नरक की तरह बन जाता है, और व्यक्ति चाहता है इससे तो मेरी अरेंज मैरिज होती तो अच्छा।